जय साथी। इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन तमाम देश के उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं। उनके लिए हर साल त्यौहार आते हैं और जाते हैं, और कई ऐसे भी होंगे जिनके सामने घर जाने के लिए, जैसे जो दूर दराज रूम लेकर पढ़ते हैं, रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, कुछ शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, जब त्यौहार आते हैं, अपने घर पे जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं, अरे तुहार बिटिया इतना दिन से तैयारी करता हो, अभी तक कुछ भा ना है, तुहार बेटवा इतना दिन तैयारी करता कुछ ना हो, फलाने के बेटवा देखा होगा। तो लोग आपकी तुलना औरों के साथ करते, फिर हमें टूट जाते हैं, काश ये त्यौहार ना होते, हम घर ना आते, इस तरह के ताने सुनने को ना मिले। तो जीवन हमेशा याद रखिएगा कि आपके संघर्ष से ही, आपकी संघर्ष के बाद जो आपकी सफलता होगी, और आपके संघर्ष से ही आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। ऐसे ही ओलंपिक का स्वर्ण नहीं मिल जाता, बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और आपने भी ये पढ़ा होगा, इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि हमेशा इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जो संघर्ष करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप सभी साथी, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वे इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हर एक त्यौहार हर्ष उल्लास का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बेरोजगारी की दंश है उनके दिल पर पड़ती है, और वो दिल पर पत्थर रख के घर को आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। फिर ये सोचते हैं जल्दी से कब हम घर से चले जाएं, फिर माता पिता भी कहते हैं यार त्यौहार 2 दिन हो गया बीता, 4 दिन 6 दिन रह लो, लेकिन उनको फिर ये लगता है कि कैसे हम अपने परिवार के झोली में खुशियों की नौकरी डालें, क्योंकि ये नौकरी उनके लिए खुशियों से जुड़ा होता है। लेकिन इस होली पर एक बात अपने मन में रख लीजिएगा, ये शायद आप सभी के लिए जरूरी है जो इस बेरोजगारी के दल से झेल रहे हैं। आपके लिए होलियां आएंगी, होलियां जाएंगी, लेकिन लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप हमेशा बेहतर देने के लिए पैदा हुए हैं और संघर्ष करने के लिए। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो हमें संघर्ष लिखा है, हमारे जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, और सफलता के मिलने के लिए हम दिन रात एक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें हमारे हिसाब से सफलता मिल जाए तो शायद ये मुश्किल है। कुछ को मिल भी जाती है, कुछ को नहीं भी मिलती है, लेकिन अगर हम और आप ये बात सोचकर अपने मन में बैठे रहें कि नहीं नहीं यार हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें आज ही सफलता मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मुश्किल। हम अपना बेहतर और बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि आपकी सफलता का ताला किस चाबी से खुलेगा ये हमें और आपको नहीं पता है। हम आवेदन करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कई बार परीक्षा होने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, कई बार हम फॉर्म भरने के लिए तैयारी करते हैं कि कब गवर्नमेंट का जीओ जारी और हम भर्ती हो, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार परिवार भी कहता है अब हम पैसे नहीं दे पाएंगे, घर पे आओ कुछ काम करो, अब अपनी तैयारी करो, कुछ बार हम अपने मित्रों के साथ देख कर टूट, कोई हमारे मित्र सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हो जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं 5 10 बाय 10 कमरे में अपनी तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से टूट जाते हैं, यार भर्ती नहीं आ रही, मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इन सबसे रोक कर जो खुद को सफल बना ले, इन सबको जो पीछे कर कर खुद पर अपनी काबू करने के बाद हमेशा मोटिवेट रखे, वही अंत में सफल होता है। क्योंकि क्या पढ़ना है इस बात से माने रखता है कि क्या नहीं पढ़ना है। अभी पीसीएस के पद आए हैं, लगभग ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ 173 पद है जो समय अनुसार बढ़ भी जाते हैं। अब ये उस बात पे लगा कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, फॉर्म भरता रहूं, अब बेहतर करते रहिएगा। अब रेस के घोड़े हैं, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहाँ संघर्ष लिखा है, जब हम उस परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ पे संघर्ष ही सब कुछ है, तो फिर हम संघर्ष से मुंह क्यों मोड़े, हम संघर्ष से पीछे क्यों भागे। इस होली पर, इस पर्व पर ये खुद से भरोसा करिएगा, ये खुद से एक प्रॉमिस करिएगा कि हम जब तक सफल नहीं होंगे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी ब्रेक नहीं करेंगे। भर्तियां कभी भी आ जाएंगी, बहुत सारी भर्तियां आती भी रहती हैं, हम उसके सापेक्ष अपने आप को ढाल कर हमें सफलता लेनी है। हम कब तक दूसरों को कोसेंगे, क्या हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है। जब खुद को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं, खुद को हम सजो नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हम अपने आप के सफलता के उस शिखर पर कैसे देखेंगे। इसलिए इस होली खुद से ये प्रॉमिस करिएगा कि अपने अंदर के जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक बातें उठती हैं, उनको जलाना है, और इस होली उनको रंग लगा के उन्हें रंगीन कर देना है जहां से आपके नकारात्मक विचार आते हैं, और हमेशा सकारात्मक रहिएगा, और यही आपके सफलता की अंतिम है। क्योंकि हम आप दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति, चाहे वो चांद पर कोई पहुंचा हो, चाहे किसी ने खोज किया हो, वो एक दिन में पूरा नहीं हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं जो पीछे बल्ब जल रहे हैं, क्या वो एडिसन जी ने एक दिन में खोजा होगा,
ये जो आपको मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं डेस्कटॉप के, शायद आपको भी दिखाई दे रहे होंगे ना कि नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोनों मॉनिटर, ये एक दिन में नहीं बने होंगे टीवी। ये ट्राइपॉड जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ना, ये ट्राइपॉड एक दिन में नहीं बना होगा। इसके लिए लोगों ने समय दिया, कई बार असफल हुए, अंत में जाकर उन्होंने कर लिया। तो हम आप उनको पढ़ते हैं तो उसे कुछ सीखते भी नहीं, हमें यही सीखना है कि हमें और आपको अपना बेहतर अपना बेस्ट देना है। इस होली फिर से अपने आप को जोड़ कर रखिएगा और अपने परिवार अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होली खेलिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कोशिश करिएगा कि उन नकारात्मक चीज़ों को रंग लगाइए, उन नकारात्मक चीज़ों को होलिका लगाइए जो आपको हमेशा नेगेटिव की तरफ झोंकते हैं, जो आपके दिमाग को और आपको खुद को डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप गुजिया वाली त्यौहार की, क्योंकि यह एक ऐसा त्यौहार है जो धर्म जाति मजहब लिंग जन्म स्थान इन सबसे ऊपर उठकर हम सब मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, खुशियों का रंग लगाते हैं, सौहार्द के साथ रहते हैं और अपना बेहतर और बेस्ट देते हैं अपने परिवार के साथ। तो दुआ यही है हमारी, दुआ यही है हमारी, पूरी हो हर आपकी आस, मीठे मीठे पकवानों से जीवन में बनी रहे मिठास, दुनिया की सारी खुशियाँ आ जाएं आपकी झोली में। हमारी ओर से मुबारक हो आपको ये देश की प्यारी सी होली। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि हम जानते हैं होली का जो त्यौहार है प्रेम भाईचारा उत्साह सौहार्द एकता का पर्व है। हम सभी जानते हैं कि इस पर्व को हर साल बसंत ऋतु के फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का पर्व न सिर्फ अपने पुराने गले सिवके मिटकर आपसी रिश्ते को सुधारने का मौका देता है, बल्कि हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करता है। इस पर्व का सामाजिक सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है। इस त्यौहार से कई धार्मिक पौराणिक कथाएं जुड़ी होने की वजह से इस पर्व को लोगों की काफी गहरी आस्था भी है। रंगों के त्यौहार से राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम प्रहलाद होलिका की कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिनके मुताबिक हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका के साथ मारने की साजिश रची थी, जिसके बाद राक्षसनी होलिका वरदान में मिली और अपनी चादर को लपेटकर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई, जिसके बाद तूफान आने से उनकी चादर उड़ गई और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बचे रहे। तभी से इस त्यौहार को मनाए जाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। इस त्यौहार की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस मौके पर हमारे घरों में गुजिया गुलाब जामुन मालपुआ जैसे पारंपरिक पकवान भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा होली पर आयोजित होने इस कार्यक्रम बहुत सारे लोग रंग लगाकर अपनी खुशियों को भी व्यक्त करते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ देखें, आज आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं, बदलते वक्त के साथ इस होली के त्यौहार में भी आधुनिकता ने अपने आगोश को पूरा फैला लिया है। होली में फुहड़ता भी दिखाई देती है, खासकर बहुत सारे गाने भी आपको ऐसे मिलते हैं फुहड़ गाने, जिनको सुनने के बाद हम जैसे लोग आपको भी शर्माने लगते हैं। लेकिन वहीं हम पुरानी अगर सोच की तरफ बढ़े, पुराने उस सभ्यता संस्कृति को ध्यान रखें, अपने तो घर के सारे बुजुर्ग जुटते थे और कहानियां बताई जाती थी, गाना गाते थे, हंसते थे और हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन वो बचपन के दिन ही कहाँ है। अब युवा वर्ग होली को त्यौहार को मनाने का मतलब मस्ती समझते हैं, नशाखोरी के जकड़ में आ गए हैं। तो अब यह त्यौहार कहीं ना कहीं लगभग त्यौहार है नशा के आगोश में आ गए, मतलब नशे के आगोश में समा चुके हैं। इस मौके पर युवा शराब जैसे नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, कई बार छेड़छाड़ भी करते हैं, इससे त्यौहार की गरिमा कम हो रही है और नैतिकता का भी धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। इसके अलावा जहां पहले लोग घर में पकवान बनाते थे, आजकल लोग बाजार से पकवान मंगाते हैं, चाइनीज चीजों को बढ़ावा देते हैं, ज्यादा मुनाफा कमाने में लोग मिलावटी सामान का भी प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो होली को लोग बाजारवाद की चपेट में आ गए, लेकिन हमें फिर से अपनी पुरानी होली की तरफ चलना है। हमें गुलाल से होली खेलनी है, हमें हल्दी से होली खेलनी है, क्योंकि लोग पुराने रंजिशों को बरकरार रखने के लिए बदला लेने के लिए भी होली मनाते हैं, लेकिन हम उसको तोड़कर प्रेम की होली मनाएंगे, एक दूसरे से गले लगेंगे। और आज हम सब इस त्यौहार को बदलते मतलब को नहीं, इसके वास्तविक मतलब को समझेंगे। रंगों से भरी इस दुनिया में रंगीला त्यौहार है होली, रंगों से भरी इस दुनिया में रंगीला त्यौहार है होली, गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्यौहार है होली, रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली,
हर तरफ बड़ी धूम मची है, बुरा न मानो, हैप्पी होली। आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस हमेशा से सिलेक्शन से है, सिलेक्शन से थी और सिलेक्शन से रहेगी। और मुझे इस बात को उम्मीद है अगली होली जो होगी आपके सफलता की होली होगी, आने वाला त्यौहार जो होगा आपके सफलता का त्यौहार होगा। इसलिए हमेशा अपना बेहतर दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा और यकीनन मानिए आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू, हैप्पी होली।